हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है टेकमेंट का एक नया वीडियो पे। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बोला था आप लोगों को कि नोकिया के तरफ से दो फीचर फोन का 4G वर्जन मार्केट पे आ रहा है, जहां पे एक था नोकिया 6300 4G एंड दूसरा था नोकिया 8000 4G। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले इसी नोकिया 8000 4G के बारे में। देखते हैं क्या है इस फोन के अंदर और कितने प्राइस पे ये हम लोगों के सामने आने वाला है, तो सारी चीज के बारे में आज क्लियरली बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों नोकिया के तरफ से जो 8000 4G है उसके जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह है वो हम लोगों के सामने आ चुका है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसी नोकिया 8000 4G के डिजाइन वगैरह के बारे में, तो यहां पे आप लोगों को एक प्रीमियम ग्लास डिजाइन देखने को मिलता है, जहां पे ग्लॉसी फिनिश के साथ ये जो फीचर फोन है ये देखने को मिल जाता है, जहां पे फॉर्म फैक्टर जो है वो आप लोगों को बार फॉर्म फैक्टर मिल जाता है। उसके साथ दोस्तों यहां पे अगर हम बात करते हैं 3D शेप T9 कीपैड का, तो यहां पे जो कीपैड वगैरह है उसका भी क्वालिटी काफी अच्छा किया गया है पहले से। तो ये जो फोन है एक फीचर फोन है, बट इसको आप हाथ में लोगे तो ऑब्वियसली एक प्रीमियम फीचर फोन का जो फीलिंग्स है वो आप लोगों को मिलेगा। उसके साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं ये फोन का कुछ OS वगैरह के बारे में, तो यहाँ पे आप लोगों को KaiOS का सपोर्ट मिलता है, जिसके चलते आप यहाँ पे Facebook, Twitter, WhatsApp या अदर जितने भी एप्लीकेशंस वगैरह है उसको रन करवा सकते हो। जैसे जियो फोन वगैरह पे आप लोग देखे थे कि WhatsApp, YouTube वगैरह जो भी है जितने भी एप्लीकेशंस वगैरह है उसको आप यूज़ कर सकते थे, तो इस फोन पे भी आप सेम टू सेम उसको यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं नोकिया 8000 4G के स्क्रीन साइज वगैरह के बारे में, तो यहाँ पे आप लोगों को 2.8 इंच का एक TFT LCD डिस्प्ले मिल जाता है, जहाँ पे दोस्तों आप लोगों का जो स्क्रीन है उसका क्वालिटी आप तो एकदम प्रीमियम नहीं बोल सकते, बट इस फोन के हिसाब से सही सही आप लोगों को क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं ये फोन के प्रोसेसर वगैरह के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 210 क्वाड कोर का प्रोसेसर, जो इस फोन के हिसाब से ठीक ठाक प्रोसेसर है। उसके साथ 2 मेगापिक्सल का कैमरा भी आते हैं, कोई फ्रंट कैमरा का तो बात ऑब्वियसली इस फोन के अंदर नहीं रहता है। उसके साथ अगर हम बात करते हैं इस फोन के अंदर का जो भी बैटरी वगैरह है, यहाँ पे आप लोगों को 1500 mAh का एक रिमूवेबल बैटरी देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली फीचर फोन के अंदर रिमूवेबल बैटरी हम लोगों को देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं इस फोन के कुछ जो स्टोरेज वगैरह है एंड उसके साथ साथ जो रैम वगैरह है उसके बारे में, तो यहाँ पे आप लोगों को 4GB रैम का सपोर्ट मिलता है एंड उसके साथ साथ आप लोगों को 512 MB का स्टोरेज मिलता है, बट SD कार्ड के थ्रू आप 128 GB तक इसको एक्सपैंड वगैरह कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो फोन है ये इसका जो वेट है वो भी 110 ग्राम का है, तो एज अ फीचर फोन आप बोल सकते हो कि फीचर फोन के दुनिया पे एक प्रीमियम फोन के तौर पे जो नोकिया है वो 8000 4G को लॉन्च किया है। तो मेरे हिसाब से इसका जो प्राइस वगैरह है वो 3000 to 3500 के आसपास होना चाहिए। अब एग्जैक्ट प्राइस मैं नहीं बोलूंगा, पता नहीं है मेरे को, बट मेरे हिसाब से 3000 to 3500 के आसपास होना चाहिए। तो अब दोस्तों आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि आप लोग क्या सोचते हो इसका प्राइस कितना होगा और आप में से कितने सारे लोग हो जो इस नोकिया 8000 4G को खरीदना चाहते हो। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।